यहाँ से आप व्यू देख सकते हैं कितना काफी ज्यादा आकर्षक लग रहा है देखने के लिए, और भीड़ भी काफी ज्यादा है। और पहली बार पटना के मेरिन ड्राइव पे टूर्नामेंट खेला जा रहा है, तो ये इंडियन वोटर लिंक देख सकते हैं, लोकतंत्र का महाउत्सव। और वोट दीजिए एक अच्छे नेताओं को जो हमारे युवा भाइयों को रोजगार दे। हेलो यूट्यूब फैमिली, आप सभी को मेरे एक और न्यू ब्लॉग में स्वागतम। तो अभी हम रूम में है और अभी आज जा रहे हैं मेरिन ड्राइव, और वहाँ पे हो रहा है क्या क्या सारा कुछ आप लोग को बताएंगे। पहला मेरिन ड्राइव पे पहली बार क्रिकेट टूर्नामेंट खेला जा रहा है, तो चलिए वहाँ पे जाके आप लोग को सारा कुछ दिखाते हैं। और आज पटना का मौसम ना बहुत ही काफ़ी ज़्यादा गर्मी किया दो तीन दिन से, अभी थोड़ा धूप निकला हुआ है लेकिन उतना धूप नहीं है, तेज़ हवा भी चल रही है, लेकिन गर्मी बहुत ही डेंजर है, एकदम खतरनाक वाला गर्मी किया हुआ है। तो चलिए रूम से निकलते हैं और वहाँ पे जाके आप लोग को सारा कुछ दिखाते हैं और अपडेट भी क्या क्या है सारा कुछ बताते हैं। अभी जस्ट यहीं से ऑटो से उतरे हैं और वो साइड जाना होगा क्रॉस करके, और मौसम देख रहे हैं बादल है लेकिन गर्मी बहुत ही तगड़ा किया हुआ है, एकदम पसीना देख रहे हैं, पसीना से पता चल गया होगा कितना काफ़ी ज़्यादा गर्मी है, बहुत काफ़ी ज़्यादा गर्मी है। मेरिन ड्राइव गुलंबर के बीचों बीच ये पोस्टर लगाया गया है 1 जून को मैं करूँगा मतदान, और इधर ये साइड में लिखा हुआ आई लव चकाचक पटना, और मतदान का हैंड भी बनाया गया और वो साइड में हो रहा है टूर्नामेंट। चलिए दिखाते हैं आके रोड के ऊपर से, यहाँ नीचे का व्यू देख सकते हैं जो टूर्नामेंट खेला जा रहा है, सभी टीम खेल रहे हैं। यहाँ से आप व्यू देख सकते हैं कितना काफ़ी ज़्यादा आकर्षित लग रहा है देखने के लिए, और भीड़ भी काफ़ी ज़्यादा है। और पहली बार पटना के मेरिन ड्राइव पर टूर्नामेंट खेला जा रहा है, तो ये बहुत बड़ी बात है, लगता है बॉल ना भी नहीं आता होगा क्योंकि बहुत ही साइड में ये बनाया गया है और काफ़ी ज़्यादा बड़ा है पूरा, देख रहे हैं लाइट एकदम रंग बिरंग कर, वहाँ पे एक बैलून बड़ा वाला बैलून लोगो है। चलिए नीचे जाके आप लोगों को अच्छे से दिखाते हैं, इधर से नीचे जा सकते हैं लेकिन यहाँ पे मेन गेट बना हुआ है इंडियन वोटर लिंक देख सकते हैं, लोकतंत्र का महाउत्सव। तो चलिए भैया नीचे जाके देखते हैं, शाम के टाइम में ये मैच होता है तो बहुत ही काफ़ी ज़्यादा भीड़ देखने को मिलता है, क्योंकि शाम के टाइम में मेरिन ड्राइव पे बहुत ही काफ़ी लोग घूमने के लिए आते हैं और घूमने के बहाने मैच भी देख लेंगे। इसी घाट में क्रिकेट टूर्नामेंट करवाया जा रहा है, इंडियन वोटर लिंक का पोस्टर बहुत सारा लगाया गया, इधर भी घेर दिया गया और यहाँ पर भी एक मेन गेट बनाया गया, इधर से आप एंट्री कर सकते हैं। बाइक या कार से आते हैं तो वो साइड में पार्किंग लगा सकते हैं, ये साइड में भी लगा सकते हैं, बस वीआईपी लोग क्योंकि और लोगों को घुसने नहीं दे रहे हैं। और पिंक टॉयलेट महिलाओं लोगों के लिए, और जेंट्स का पता नहीं, जेंट्स का टॉयलेट वो साइड में होगा। और यहाँ पे देख सकते हैं कितना काफ़ी ज़्यादा भाई लाइट लगाया गया है, डे नाइट मैच है। ये साइड से दिखाते हैं आप लोगों को बाउंड्री देख सकते हैं, ज़्यादा काफ़ी बड़ा नहीं है बाउंड्री लेकिन तगड़ा मैच देख रहे हैं, ग्राउंड को किस तरह एकदम बनाया गया पूरा, एकदम देख रहे हैं कितना काफ़ी तगड़ा लग रहा है, ग्राउंड भी तगड़ा लग रहा है और पूरा बगल बगल में लोग देख रहे हैं और वो साइड में है टीम देख रहे हैं, और लोगों को चलने के लिए एकदम पूरा इधर भी पूरा पानी दे दिया गया कि धूल ना उड़े, बहुत ही काफ़ी ज़्यादा गर्मी है देख रहे हैं, पसीना से एकदम भींग गया है। और ये टूर्नामेंट इसलिए करवाया गया है क्योंकि लोगों में उत्साह हो वोटिंग के प्रति, और लोग क्योंकि इस बार वोट देने के लिए बहुत ही कम लोग जा रहे हैं उसी के प्रति ये टूर्नामेंट कराया जा रहा है। देख रहे हैं ओ 6 है भाई, 6 रन, कमेंट्री भी किया जा रहा है तगड़ा है। ये साइड में कुछ नहीं, ये साइड में आप घूमने के लिए जा सकते हैं, लेकिन ये साइड में PMC, और ये साइड में चेयर भी बहुत सारा लगा दिया गया, जो VIP लोग होंगे बड़े बड़े लोग होंगे यहाँ पे बैठेंगे। और दूसरा वाला जो टीम, अभी दूसरा मैच स्टार्ट भी होगा तो दूसरा मैच का जो टीम आए हैं सब यहाँ पे चेयर पे बैठे हुए हैं, ये मैच तुरंत ख़त्म होने के बाद फिर दूसरा मैच स्टार्ट होने वाला है। और ये साइड में पिंक टॉयलेट है, हर महिला हर दिन स्वच्छ रहे स्वस्थ रहे, तो महिलाओं लोगों के लिए ये टॉयलेट है पिंक टॉयलेट। यहाँ डोगी भाई सोए हुए हैं भैया, ये तो कमेंट्री सुन के ही मजे ले रहे हैं। या आप लोग पटना से देख रहे हैं तो यहाँ पे पटना के मेरिन ड्राइव पे आ सकते हैं ये टूर्नामेंट देखने के लिए, और 5 बजे शाम से स्टार्ट होती है और लगभग 2 मैच कराया जाता है। इंडियन वोटर लिंक सिटी ऑफ पटना, चुनाव का पर्व, देश का गर्व, लोकसभा इलेक्शन 2024 इंडियन वोटर लिंक, समझे भैया, तो जाके वोट जरूर दीजिए।
और वोट दीजिए एक अच्छे नेताओं को जो हमारे युवा भाइयों को रोजगार दे, हमारे किसान भाइयों पे बात करे, हमारे गरीब भाइयों पे बात करे, ना कि जात और धर्म देख के दीजिए। क्योंकि कल के दिन ये आप बेरोजगार रहेंगे तो आपका ये जात वाले या धर्म वाले आपके घर नहीं चला देंगे। इसीलिए एक पढ़े लिखे और अच्छे नेताओं को वोट दीजिए जो हमारे देश को आगे ले जा सके और हमारे देश का गरीबी दूर कर सके, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। देखिए बात बोले एकदम सही, इसीलिए लग गया लंबा छक्का। अभी एक मैच खत्म हुआ, अब दूसरा टीम का मैच स्टार्ट होने वाला है। अभी टॉस के लिए बुलाया जा रहा है दोनों टीमों को। जो विनिंग टीम है देखते हैं, वो साइड में जा चुके हैं। घाट में भी बहुत ही काफ़ी ज़्यादा पोस्टर लगाया गया है, 1 जून को है मतदान, तो आप लोग जाके जरूर मतदान करें और एक अच्छे नेता को चुनें।